Hello students, I am Vaishali, English language trainer. Welcome to my YouTube channel, New Urban Computer Classes. तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरी जितनी भी नई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, आइए जानते हैं हमारी आज की क्लास क्या होगी। हमारी आज की जो क्लास है उसमें हम सीखेंगे कन्फर्मिंग क्वेश्चन। हम क्वेश्चन को कन्फर्म कैसे करेंगे, कन्फर्म करना है हमें क्वेश्चन के लिए। और जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने हैज इफ का यूज सीखा था, हैज इफ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब एज इफ की थर्ड फॉर्म लगा के हमने सेंटेंस को बनाए थे। और वो जो भी सेंटेंस बनाए थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस थे, यानी पॉजिटिव आंसर आ रहा था हमारा। फर्स्ट पर्सन पॉजिटिव दे रहा था, सेकंड पर्सन भी पॉजिटिव दे रहा था और थर्ड पर्सन भी पॉजिटिव ही बोल रहा था। और इसी से रिलेटेड आज की जो क्लास है उसमें हम करेंगे कन्फर्म क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें कन्फर्म करने हैज इफ का यूज भी करना है और बर्फ की थर्ड फॉर्म भी लगानी है, बट हमें थोड़ा सा चेंज करना है कि हमें कंफर्म करने है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें कंफर्म किस तरह से करनी है, जैसे कि कल हमने बोला था मैंने खाना खा लिया है, तुमने भी खाना खा लिया है, और किसी थर्ड पर्सन के लिए बोल रहे थे तो उसने भी खाना खा लिया है। लेकिन यहाँ हमें जो करना है, अपने बारे में तो पता है लेकिन हमें सेकेंड पर्सन से और थर्ड पर्सन से कन्फर्म करना है, उसके लिए हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए। तो फर्स्ट पर्सन लोई आई लोई वो तो अपने लिए पॉजिटिव आंसर बोल रहा है, लेकिन सेकंड पर्सन के लिए हमें क्वेश्चन पूछना है। तो देखिए कैसे पूछते हैं, बट इससे पहले हम ये जानते हैं कि वाक्यों की पहचान क्या होगी। देखिए कन्फर्मिंग क्वेश्चन करने के लिए हमारा जो वाक्य होगा कैसा होगा, देखिएगा वाक्य के शुरू में क्या शब्द जरूर होता है। जो भी वाक्य हमारा क्या से शुरू होता है वो सब हमारे कन्फर्मिंग क्वेश्चन होते हैं। बट यहाँ पर जो है अगर क्या से वाक्य शुरू हो रहा है और उसके लास्ट में जो है, मैंने कल भी बताया था, लिया है, दिया है, किया है, आ जाए, या चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ जाए, इनसे रिलेटेड कोई भी वर्ड आ जाए तो वो हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस हमारे प्रेजेंट के परफेक्ट वाले होते हैं। जो काम हमने अब से कुछ देर पहले करा हो, प्रेजेंट ही हो बट हमारा वो कर चुका हो, वो काम हमने अभी अभी फिलहाल में करा हो, तो उन सब सेंटेंस को हम हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की हेल्प से बनाते हैं। देखिएगा स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा हमारा, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। जो फर्स्ट पर्सन है वो तो हमारे लिए पॉजिटिव आंसर ही बोल रहा है, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, ठीक है। आई हैव एक्शन हम फर्स्ट पर्सन हो है अपने आप के लिए छोड़े नहीं क्वेश्चन करेगा, तो फर्स्ट पर्सन तो पॉजिटिव आंसर ही देगा, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। एंड सेकंड पर्सन से हमें क्वेश्चन करना है, हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म। हैव जो है वो हमारा जो टाइम वर्ब था हैज है, सेकेंड पर्सन के लिए हम हैव का यूज करते हैं और फर्स्ट पर्सन के लिए हैव का यूज करते हैं। बट हमें क्वेश्चन कंफर्म करने के लिए सेकेंड पर्सन से कंफर्म करना है क्वेश्चन, तो हम जो है वो हैव को पहले ले आएंगे, हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म। बट हमने सेकेंड पर्सन से क्वेश्चन करा तो हमारे पास आ रहा नेगेटिव आंसर, नेगेटिव आंसर आ रहा है, नो आई हैव नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म, नो आई हैव नॉट एक्शन की थर्ड फॉर्म। अब सेकंड पर्सन ने नेगेटिव आंसर दिया है, थर्ड पर्सन से कंफर्म कर रहा है, हैज शी एक्शन की थर्ड फॉर्म या हैज ही एक्शन थर्ड फॉर्म या अदर कोई नेम ऐड कर दीजिए, एंड हमें थर्ड पर्सन देगा फिर पॉजिटिव आंसर, यस शी हैज एक्शन की थर्ड फॉर्म या फिर ही हैज। यहाँ बात याद ये रखनी है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हम हैव का यूज करेंगे एंड थर्ड पर्सन के साथ हम हैज का यूज करेंगे, हैज। आप देखिए एग्जाम्पल कैसे, सर आई हैव डन माई वर्क, आई हैव एन एक्शन हो गई हमारी डू, मेन एक्शन जो थी हमारी डू, एंड डू की जो थर्ड फॉर्म है वो है हमारी डन, डू डिड डन, तो थर्ड फॉर्म हो गई हमारी डन। आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क सेकेंड पर्सन से हमें कन्फर्म करना है क्वेश्चन, तो बोल देंगे हैव यू डन योर वर्क। यहाँ से ये जो हमारे स्ट्रक्चर में बताया था हैव यू एक्शन की थर्ड फॉर्म, यहीं से हमें देखना हैव यू डन योर वर्क। या फर्स्ट पर्सन ही आई के साथ माई का यूज करते हैं, यू के साथ योर का यूज करेंगे, तो हैव यू डन योर वर्क, आई हैव डन माय वर्क, हैव यू डन योर वर्क, मैंने काम कर लिया है कि तुमने अपना काम कर लिया है। नेगेटिव आंसर देना है हमें, नो आई हैव नॉट डन माय वर्क, नो आई हैव, एंड आई हैव के बाद जो हमारे टाइम वर्ड है उसके बाद हम नॉट एड कर देंगे, नो आई हैव नॉट डन माय वर्क, नहीं मैंने अपना काम नहीं किया है। एंड थर्ड पर्सन के लिए क्वेश्चन करना है हमें, तो हम थर्ड पर्सन से हैज से क्वेश्चन करेंगे, थर्ड पर्सन से हम हैज से क्वेश्चन करेंगे, हैज शी या हैज ही डन हर या हिज
वर्ब शी है तो हम हर को बोले हर बोलेंगे एंड है तो हम हिज बोलेंगे हैज शी डन हर वर्क क्या उसने अपना काम कर लिया है हैज योर सिस्टर डन हर वर्क क्या तुम्हारी बहन ने काम कर लिया है अब हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो ये है शी हैज डन हर वर्क या ही हैज डन हिज वर्क सिस्टर बोला तो ये माय सिस्टर हैज डन हर वर्क ब्रदर बोला यस माय ब्रदर हैज डन हिज वर्क यहाँ हमें जो भी हमारा यहाँ थर्ड पर्सन है उसको जो भी हम ऐड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर इसके पैसेंजर केस में बोलेंगे हर बोलना है या हिज बोलना है ठीक है एग्जाम्पल के थ्रू अब हम यहाँ पर कुछ एक्शन लिखिए एक्शन को समझते हैं देखिए एक्शन है हमारी फर्स्ट है स्पेंड मनी धन खर्च करना रुपए खर्च करना सेकंड है टेक मेडिसिन दवाई लेना थर्ड है पार्टिसिपेट इन द क्लास क्लास में पार्टिसिपेट करना यानी भाग लेना क्लास में प्रिपेयर सैंडविच सैंडविच तैयार करना एयर द क्लॉथ कपड़े सुखाना लेस द डोर दरवाजे की कुंडी लगाना वॉच डेली सॉप सीरियल देखना चेंज योर पार्टनर अपना पार्टनर चेंज करना रेंस योर माउथ उल्ला करना यूज फेसबुक फेसबुक यूज करना अब इन एक्शंस को हम इस एग्जांपल के थ्रू यूज करेंगे देखिए आई हैव डन माय वर्क हाँ हमें एक्शन चेंज नहीं करनी है सिर्फ हमें डूअर चेंज करनी है और टाइमर चेंज करना है डूअर के अकॉर्डिंग ही टाइमर चेंज करेंगे एक्शन चेंज नहीं करनी है देखिए आई हैव स्पेंडेड मनी मैंने धन खर्च कर लिया है अब सेकंड पर्सन से क्वेश्चन करना हैव यू स्पेंडेड मनी नेगेटिव आंसर आएगा नो आई हैव नॉट स्पेंडेड मनी नेगेटिव आंसर आया अब हमें थर्ड पर्सन के लिए कंफर्म करना हैज योर फादर स्पेंडेड मनी तो यस माय फादर हैज स्पेंडेड मनी इस तरह से हम जो है इसको एग्जांपल के थ्रू इन सबको यूज करेंगे सेकंड देखिए टेक मेडिसिन टेक टू टेकन थर्ड फॉर्म होती है टेकन तो आई हैव टेकन मेडिसिन हैव यू टेकन मेडिसिन नो आई हैव नॉट टेकन मेडिसिन यहाँ जरूरी नहीं आप नेगेटिव ही आंसर बोले पॉजिटिव दे सकते हैं यस आई हैव Done my work. यहाँ हमें सेकेंड वाला जो पर्सन है पॉजिटिव आंसर भी दे सकता है बट नेगेटिव आंसर हम देंगे इससे हमें थर्ड पर्सन के लिए क्वेश्चन करना आ जाएगा ठीक है देखिए आई हैव टेकन मेडिसिन हैव यू टेकन मेडिसिन नो आई हैव नॉट टेकन मेडिसिन हैज शी टेकन मेडिसिन यस शी हैज टेकन मेडिसिन हमें सिर्फ एक्शन वही रखनी टेकन मेडिसिन यहाँ हमें डूअर और उसके अकॉर्डिंग टाइमर चेंज करना है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ है का यूज करना है थर्ड पर्सन के साथ हमें हेल्प का यूज करना है ऐसे हम बोलेंगे पार्टिसिपेट इन द क्लास आई हैव पार्टिसिपेटेड इन द क्लास हैव यू पार्टिसिपेटेड इन द क्लास सेकंड पर्सन से हम हैव यू से क्वेश्चन करेंगे ओके एंड थर्ड से करना है तो हैज से बोलेंगे हैज शी पार्टिसिपेटेड इन द क्लास यस शी हैज या ही हैज पार्टिसिपेटेड इन द क्लास आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल